1670 के दशक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक महाकाव्य शिव भारत लिखा था। उसमें उन्होंने एक मृत मुस्लिम योद्धा की असाधारण प्रशंसा की थी। इस महाकाव्य में उन्होंने लिखा है कि यह योद्धा सूर्य के जैसे बहादुर था, जिसकी वजह से उनके सामने आते ही दुश्मन डर से कांपने लगता था। कौन था यह योद्धा जिसकी छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी प्रशंसा की थी? दरअसल यह योद्धा अफ्रीका में पैदा हुआ एक गुलाम मलिक अंबर था, जो बाद में जाकर अहमदनगर सल्तनत का वजीर बना, जिसके साथ शिवाजी के पिताजी शाहजी और उनके दादाजी मालोजी ने काम किया था। मलिक अंबर का जन्म 1548 में अफ्रीका के एक देश इथियोपिया में हुआ था। जब वे बच्चे थे तभी उनके माता पिता द्वारा उन्हें बेच दिया गया और गुलाम के रूप में उन्हें भारत लाया गया। यहाँ मलिक अंबर को अहमदनगर के एक प्रमुख दरबारी चंगेज खान ने खरीद लिया था, जो अहमदनगर सल्तनत का वजीर था। कुछ सालों में ही दोनों आदमियों के बीच विश्वास और दोस्ती का रिश्ता बन गया और चंगेज खान मलिक अंबर को अपना बेटे जैसा मानने लगा। मलिक अंबर ने चंगेज खान के नीचे काम करते हुए राज्य, सेना और खजाने के प्रबंधन की सभी मूल बातें सीख ली थी। मलिक अंबर ने विशेष रूप से दरबार के नियमों और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। 1574 में अहमदनगर के दरबार के अधिकारियों ने एक षड्यंत्र रचा और चंगेज खान की हत्या कर दी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने मलिक अंबर को गुलामी से मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद मलिक अंबर के पास दो विकल्प थे, या तो वो अहमदनगर सल्तनत की सेना में शामिल हो जाए और एक छोटे पद पे काम करता रहे, या फिर वो भाड़े के सैनिक के रूप में अपनी किस्मत आजमाए। मलिक अंबर में लीडरशिप क्वालिटी थी और वो सैनिकों को आराम से लीड कर सकता था, इसलिए मलिक अंबर को लगा कि भाड़े का सैनिक बनकर वो आराम से एक विशाल सेना बना सकता है और जल्द ही बहुत ताकतवर बन सकता है। जल्द ही उसने अहमदनगर छोड़ दिया और बीजापुर की सल्तनत के लिए भाड़े के सैनिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही मलिक अंबर बीजापुर का एक छोटा सैनिक कमांडर बन गया और 150 खतरनाक सैनिकों की छोटी सी सेना भी बना ली। 1580 और 1590 के बीच मलिक अंबर ने बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ हुए कई सारे विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे खुश होकर सुल्तान ने मलिक अंबर को ऊंची उपाधियां भी दी। 1595 के अंत में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने अहमदनगर पर हमला कर दिया, जिस पर उस समय चांद बीबी का नियंत्रण था। इस समय तक मलिक अंबर को लगने लगा था कि बीजापुर के सुल्तान उसके कामों के लिए उसे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे, इसलिए उसने चांद बीबी की मदद करने का फैसला किया और अपने 150 सैनिकों के साथ वो अहमदनगर वापस आ गया। मुगलों और अहमदनगर सल्तनत के बीच चल रहे युद्ध में अहमदनगर के कई सारे दरबारी और इस सैन्य कमांडर मारे गए और कई सारे सैन्य कमांडरों ने मुगलों का साथ देने का फैसला किया, जिसकी वजह से वफादार मलिक अंबर की तेजी से तरक्की हुई। एक साल के भीतर मलिक अंबर 3000 सैनिकों का कमांडर बन गया और 4 साल बाद यह संख्या बढ़ के 7000 हो गई, जिसमें अब मराठा और अन्य दक्कनी सैनिक भी शामिल थे। मलिक अंबर और उसकी घुड़सवार सेना मुगल सेना की सप्लाई चेन को बाधित करने में कामयाब रही, जिसने चांद बीबी की बड़ी मदद की और दोनों ने मिलकर मुगल सेना द्वारा की गई अहमदनगर के किले की घेराबंदी को खत्म कर दिया। 4 साल तक अहमदनगर की सेना ने मुगल सेना का सफलतापूर्वक सामना किया। 1599 में मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को एक बार फिर घेर लिया, लेकिन इस समय अहमदनगर के किले में एक अफवाह फैली कि चांद बीबी अहमदनगर के किले और सल्तनत को अकबर को देने को तैयार हो गई हैं। अहमदनगर के दरबारी इस अफवाह से नाराज हो गए और उन्होंने चांद बीबी को मार डाला। चांद बीबी के बिना अहमदनगर की सेना में अव्यवस्था फैल गई और अगस्त 1600 को मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया और अहमदनगर के किले पे कब्जा कर लिया। अहमदनगर के किले के पतन के बाद मलिक अंबर मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। उस समय उसके पास 7000 से भी अधिक सैनिक थे। उसने सल्तनत के उत्तर में मुगलों के रसद के ठिकानों पर हमला करने के लिए गोरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। जहां ताकत से बात बन सकती थी वहां ताकत से, और जहां चालबाजी से बात बन सकती थी वहां चालबाजी कर मलिक अंबर बचे हुए अहमदनगर राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया।
एक दिलचस्प बात यह है कि मलिक अंबर ने जिस बार्गीगिरी या गोरिल्ला वारफेयर का रणनीति के रूप में इस्तेमाल मुगलों के खिलाफ किया था, उसमें बाद में शिवाजी और मराठों ने महारत हासिल करके मुगलों के खिलाफ सफलतापूर्वक उपयोग किया था। अहमदनगर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों पे मुगलों का कब्जा था, लेकिन राज्य का व्यापक हिस्सा अभी भी अहमदनगर के प्रभावशाली अधिकारियों के कब्जे में था। अहमदनगर में अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के बाद मलिक अंबर मुगल सेना के खिलाफ हो रहे प्रतिरोध का नेता बन गया और प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके शरीर में जीवन रहेगा तब तक वह मुगल सैनिकों के खिलाफ लड़ता रहेगा। दक्कन की बची हुई सल्तनतों ने मुगल सेना को अपने क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए मलिक अंबर को धन और संसाधन भेजे। मलिक अंबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद अहमदनगर की शाही घराने के एक सदस्य मुर्तजा निजाम शाह को अहमदनगर सल्तनत का सुल्तान बना दिया और अपनी बेटी की शादी इस सुल्तान से करवा दी। इसके बाद मलिक अंबर सुल्तान का वजीर बन गया। 1610 तक उसके पास 10,000 अफ्रीकी सैनिक और 40,000 मराठा और दक्कनी सैनिक थे। इस सेना का एक कमांडर छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले भी थे। 1610 में मलिक अंबर ने एक अमीर मुगल शहर सूरत को लूट लिया, जिसने अहमदनगर सल्तनत का पुनः निर्माण करना आसान कर दिया। उसने अहमदनगर के उत्तर में एक नया शहर बनाने का फैसला किया। उसने राजधानी के लिए एक नया शहर खिड़की को चुना, जिसे आजकल औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। उसने अपना राज्य विकसित करते हुए जीवन भर मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। मलिक अंबर ने कई हार और विश्वासघात का भी सामना किया, लेकिन उसने मुगल सम्राट का विरोध करना कभी बंद नहीं किया। बाद में 1624 में मुगल और बीजापुर ने उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाया और बीजापुर के जनरल मुल्ला मोहम्मद लारी के नेतृत्व में अहमदनगर पे हमला किया। मलिक अंबर की सेना को पीछे हटना पड़ा और भटवाड़ी के पास एक मजबूत किले में उसकी सेनाओं ने शरण ली। जब मुगल और बीजापुर की घुड़सवार सेना ने मलिक अंबर की सेना पे हमला करने की कोशिश की तो मलिक अंबर ने पास में ही बने बांध को तोड़ दिया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, जिसने मुगल सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। इस बीच विभिन्न सैन्य कमांडरों के बीच असहमति और भारी बारिश ने मुगल बीजापुर शिविर में अव्यवस्था फैला दी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मलिक अंबर ने मुगल शिविर पे हमला कर दिया और कई बीजापुरी और मुगल सेनापतियों को कैद करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध में मुगल और बीजापुर सेना के कमांडर मुल्ला मोहम्मद लारी भी मारे गए। इस युद्ध के बाद मलिक अंबर बहुत शक्तिशाली हो गए। जब उनके कठपुतली सुल्तान ने मलिक अंबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें हटाने की कोशिश की तो मलिक अंबर ने अपने दामाद मुर्तजा निजाम शाह की हत्या करवा दी। इसके बाद मलिक अंबर ने उसकी जगह उसी के एक नाबालिग रिश्तेदार को नया सुल्तान बनवा दिया और अहमदनगर पे अपना नियंत्रण बनाए रखा। मुगल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर से इतनी नफरत करते थे कि उसने एक कलाकार को चित्र बनाने को कहा, जिसमें जहांगीर मलिक अंबर के कटे हुए सर पे तीर मार रहे थे। यह जहांगीर की एक ऐसी कल्पना थी जो कभी सच नहीं हो पाई। मई 1626 में 80 वर्ष की आयु में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। उन्हें खुल्दाबाद के बाहर एक मकबरे में दफनाया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।